हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन रनिंग टिप्स माय सेल्फ फिशर डांस। गाइस, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ काफ़ी लेटेस्ट एंड यहाँ पर जेन्युइन प्लेटफॉर्म के बारे में, इसके थ्रू बड़े अच्छे अर्निंग करने वाले हैं। तो ये जो साइड होने वाला है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि शेयर मॉल की साइड है। तो सबसे पहले करना है कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, देन आपको यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है लॉगिन पासवर्ड को, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपको टेलीग्राम अकाउंट आपको यहाँ पर सबमिट करके सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पे प्रेस करना है। इससे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो सक्सेस हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर इस साइट के अंदर विजिट कर सकते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो इस तरह से आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको इनविटेशन लिंक मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही रजिस्टर करते हैं तो आपको 80 UST आपको यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, यानी एज आपको रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मिनिमम रिचार्ज होने वाले इस साइट के लिए वो ओनली 9 UST है। तो इस तरह से आप यहाँ पर 9 UST डिपॉजिट करके यहाँ से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है सारा, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर टीम रिचार्ज की बात करें तो यानी फर्स्ट टीम के थ्रू आपको जो अर्निंग होने वाली है वो यहाँ पर 12% की अर्निंग होने वाली है। सेकंड टीम के थ्रू जो आपकी अर्निंग होने वाली है वो 2% की, एंड यहाँ पर टीम सी के थ्रू जो आपकी अर्निंग होने वाली है वो 1% की होने वाली है। तो उसके बाद आपको क्लोज पे प्रेस करना है। तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कंपनी की एजेंसी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है टेलीग्राम ग्रुप जाकर के वॉच कर सकते हैं, एंड यहाँ पर रिचार्ज एंड विड्रॉ का भी ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप बिजनेस हॉल वॉच कर सकते हैं, एंड यहाँ पर सारा कमीशन नोटिफिकेशन देख सकते हैं किन लोगों ने कितना यहाँ पर विड्रॉल लगाया है। उसके बाद जैसे ही आप क्या करते हैं, वी आई पी अपग्रेड करते हैं, आपको मिल जाता है टास्क कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद इंस्टेंट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली उसके लिए करना क्या है, टास्क में जाना है। टास्क में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टास्क को कम्प्लीट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सिंपली मिल जाते हैं आपको वी आई पी लेवल्स के। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो वी आई पी है वो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 1 है। तो वी आई पी 1 को अपग्रेड करने के लिए हमने बताया जो आपका मिनिमम डिपॉजिट होने वाला है 9 UST होने वाला है। तो डेली आपकी इस तरह से जो अर्निंग होने वाली है वो 78 UST की होने वाली है। यहाँ पर पर डे की जो अर्निंग होने वाली है 2.60 UST की होने वाली है। तो इससे आपको यहाँ पर डेली टास्क 2 मिलने हैं। तो इस तरह से टास्क कंप्लीट करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सिंपली मिल जाता है वी आई पी 2 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेली टास्क आपको 2 मिल रहे हैं, यहाँ पर जो आपकी पर डे की अर्निंग होने वाली है 13.80 UST की होने वाली है। तो इस तरह से 130 UST आप यहाँ पर डिपॉजिट करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर मंथली 414 UST आप यहाँ पर अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से वी आई पी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का आपको डेटा मिल जाता है। तो यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि कितने आपको डिपॉजिट करने पर कौन से वी आई पी आपको अपग्रेड करना है। नेक्स्ट ऑप्शन सिंपली आपको मिल जाता है यहाँ पर टीम का। तो टीम के ऑप्शन पर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रेस करना है। प्रेस करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सिंपली करना कि आप अपने इनविटेशन लिंक के थ्रू अपने यहाँ पर फ्रेंड्स को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, इस तरह से अपने फ्रेंड्स को शेयर करके एंड यहाँ पर उनके थ्रू काफ़ी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर टीम साइज देख सकते हैं, टीम रिचार्ज देख सकते हैं, टीम विड्रॉल डेली का देख सकते हैं अपने टीम का। एंड यहाँ पर इस तरह से नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है रेफरल रिवॉर्ड्स का। तो यहाँ पर डेली जो आपके रेफरल्स के थ्रू जो भी अर्निंग होती है यहाँ पर डेटा में जा करके देख सकते हैं, टीम देख सकते हैं, टीम ए में कितने लोग हैं, टीम बी में, टीम सी में, यहाँ पर उन टीम के थ्रू आपकी कितनी अर्निंग हुई है। तो सारा जो भी रेफरल डेटा होता है, टीम रिपोर्ट होता है, यहाँ से जाकर के डेली बेसिस पर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सिंपली देना आपको मिल जाते हैं यहाँ पर माइंड का। तो माइंड पे आते हैं तो इस तरह से इंटरफेस मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टूडे की अर्निंग देख सकते हैं, यस्टरडे की अर्निंग, मंथ की अर्निंग देख सकते हैं। इस तरह से सारा ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से जा कर के देख सकते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको रिचार्ज का, यहाँ से आप रिचार्ज लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का, यहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद विड्रॉ का, एंड यहाँ पर विड्रॉ मेथड आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर फंड बॉन्ड मिल जाता है, एंड यहाँ पर एग्जिस्ट लॉगिन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विड्रॉ मेथड आपको यहाँ पर हम तो लोडिंग हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अब एंड विड्रॉ मेथड पे प्रेस करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट पर जाकर के TRC20 का वॉलेट एड्रेस एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको इंटर कर देना है। देन आपको सबमिट पे प्रेस करना है। इस तरह से देख सकते हैं कि जो विड्रॉ मेथड है वो सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। और हमें क्या करना है, बैंक जाना है। एंड बैंक जाने के बाद यहाँ पर हमें ऑफ के ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद हमें बताना है कि ऐसे आपको रिचार्ज करना है। उसके लिए आपको सिंपली रिचार्ज के ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको
कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर लिंक कॉपी करना है एड्रेस को। करने के बाद आपको सिंपली ट्रस्ट वॉलेट में जा करके आपको सेंड के ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पे आने के बाद पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अमाउंट एंटर करके कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। इस तरह से इंस्टेंट जो आपका डिपॉजिट प्रोसेस जो होता है वो सक्सेस हो जाता है, कभी भी आप यहाँ पर डिपॉजिट लगा सकते हैं। बैक चलते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन सिंपली आपको मिल जाता है विथड्रॉ का। तो विथड्रॉ लगाने से पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर टास्क कंप्लीट करना है। तो हम टास्क के ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें करना है होम पे जाना है। जाने के बाद VIP के ऑप्शन पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर टास्क अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, देन टास्क पे प्रेस करके सबमिट पे प्रेस करना है। उसके बाद अगेन हमारा एक टास्क और अभी अब रिमेनिंग में है, तो यहाँ पर हमें फिर से अगेन जाना है इस ऑप्शन पर। फिर हमें क्या करना है, अगेन इसको सेलेक्ट करना है एंड हमको सबमिट पर प्रेस कर देना है। इस तरह से इंस्टेंट जो दो दो टास्क है वो कम्प्लीट हो गए। यहाँ पर कम्प्लीट में जा करके वॉच कर सकते हैं। उसके बाद हमें होम पे जाना है। जाने के बाद हमें विथड्रॉ के ऑप्शन पर चले जाना है। एंड जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अमाउंट एंटर करना है, पेमेंट पासवर्ड एंटर करके सबमिट पे प्रेस कर देना है। सो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर विथड्रॉ एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है, यानी विथड्रॉ जो है वो सबमिट हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर गाइस कभी भी यहाँ पर विथड्रॉ लगा सकते हैं 24 आवर्स। तो अभी देख सकते हैं जो हमारे वॉलेट में है वो 0 अमाउंट होकर, इसका मतलब ये है कि हमारे वॉलेट में यहाँ पर पैसे आ चुके हैं, यानी जो USDT है वो आ चुका है। तो देख सकते हैं 2.6 USDT हमने यहाँ पर रिसीव्ड कर लिया है। तो इस तरह से आप भी यहाँ पर इंस्टेंट विड्रॉ लगा सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।